जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद उन बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। चार रामबाण चीजें शेयर करूंगा आज उनके लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनको याद नहीं होता, या फिर जिनको याद तो हो जाता है लेकिन वो उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। देखो, पढ़ाई करना जितना जरूरी होता है उससे भी ज्यादा जरूरी होता है चीजों को जल्दी से याद करना। यानी अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसे जल्दी से याद कैसे करें, उसे भूलने से कैसे बचें। आजकल के स्टूडेंट्स की यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, वो चीजों को जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं। आप सभी में से जो यह वीडियो देख रहे हैं उनमें से 95% व्यूवर्स स्टूडेंट्स ही हैं, और आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। और यह सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इस दुनिया के 90% स्टूडेंट्स इसी प्रॉब्लम से पीड़ित है। और अगर देखा जाए तो यह कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि चीजों को भूलना यह एक नेचुरल प्रोसेस है। सोचो, अगर आपका दिमाग सारी चीजें याद रखने लग जाए तो आप एक दिन में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हो। आपके दिमाग का दही बन जाएगा अगर वो उन सारी चीजों को याद रखने लग जाए। लेकिन सवाल यह आता है कि हम पढ़ा हुआ जल्दी याद कैसे करें, उसे भूलने से कैसे बचें। अगर इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन मिल जाए तो हम कम पढ़ाई करके भी एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के बाद हम चीजों को भूलेंगे नहीं बल्कि उन चीजों को जल्दी से याद कर पाएंगे। और अगर आप भी किसी ऐसे ही वीडियो की तलाश में हो जिसमें आपको इस प्रॉब्लम का सॉलिड सॉल्यूशन मिल जाए तो समझो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जल्दी याद कैसे करें इसको साइंटिफिक तरीके से समझाने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं और आप सभी को कम टाइम में अपना सिलेबस पूरा करना है ताकि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हासिल कर सको। देखो, मैटर यह नहीं करता कि आपने पूरे साल क्या किया, मैटर यह करता है कि आपने एग्जाम्स के टाइम पर ऐसा क्या किया जो आपको इस लाखों की भीड़ से अलग बनाता है, जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाता है। क्योंकि यह दुनिया आपकी मेहनत नहीं देखती है, देखती है तो सिर्फ आपका रिजल्ट, जो आपको इन लास्ट दिनों में बेहतर बनाना है। तो चलिए समझते हैं जल्दी याद करने के चार पावरफुल टेक्निक्स। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, इंटरेस्ट। गाइस, अगर आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को कम टाइम में अच्छे से जल्दी याद करना चाहते हो तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें जल्दी से बोर नहीं होंगे, आप बिना थके उस चीज पर लंबे समय तक काम कर पाओगे। आपको खुद को उस काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को उस काम को करने के लिए पुश नहीं करना पड़ेगा। आप दर्द सहन कर लोगे और पूरे एंजॉय के साथ अपना 100% उस काम में दे भी पाओगे। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी आप कोई मूवी देखते हो या फिर अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हो तो वह आपको बिना याद किए लंबे समय तक याद रहता है। आपके ब्रेन में मूवी का एक एक डायलॉग छप जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का रीजन क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। तो इसके पीछे का रीजन है इंटरेस्ट, क्योंकि आपने उस मूवी को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखा था, आपने एक एक सीन को पूरे फोकस के साथ देखा था। और यही रीजन है कि आपको मूवी या सॉन्ग बिना याद किए लंबे समय तक याद रहते हैं, आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते हो। सोचो, अगर यही इंटरेस्ट आपका पढ़ाई में बन जाए तो कैसा रहेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा कि अगर आपने एक बार किसी चीज को पूरे फोकस और इंटरेस्ट के साथ पढ़ लिया तो आप उसे भूलने वाले नहीं हो। क्योंकि साइंस कहती है कि अगर आप किसी चीज को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखते हो, सुनते हो या फिर पढ़ते हो तो वह आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, फिर आप उसे जल्दी से भूल नहीं पाते हो। तो सबसे पहले आपको अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना होगा। अब आप बोलोगे कि भाई, हमारा तो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, तो हम पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बनाएं? तो मैं तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाने का सीधा सा एक तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें उस मंजिल में इंटरेस्ट होता है, ना कि उस रास्ते में। जैसे अगर आपको जयपुर का सिटी पैलेस देखने जाना है तो आपका इंटरेस्ट जयपुर के सिटी पैलेस को देखने में है, ना कि उस जयपुर जाने वाले रास्ते में। लेकिन उस इंटरेस्टिंग मंजिल की वजह से आपको वह बोरिंग रास्ता भी इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक इसी तरह से पढ़ाई भी एक रास्ता है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाता है। और अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब तक आपकी पढ़ाई का कोई गोल नहीं है, आपकी लाइफ का कोई एम नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का गोल सेट करना है, और वो गोल इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि उसकी वजह से आपको वो बोरिंग पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगने लगे। अब आते हैं नंबर टू पर। नंबर टू, पेरेटो प्रिंसिपल टेक्निक। गाइज, यह रूल कहता है कि आपका 20% इनपुट ही आपको 80% रिजल्ट दिलाता है, और यह बात 95% तक सही साबित होती है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इस दुनिया की 80% दौलत इस दुनिया के सिर्फ 20% लोगों के पास में है। आपके स्मार्टफोन में जितने भी गाने हैं, आप उनमें से 20% गानों का यूज ही 80% करते हो। इस दुनिया के 80% लोग इस दुनिया के 20% कंपनीज के ब्रांड के ही कपड़े पहनते हैं। ठीक उसी तरह आपके सिलेबस का 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही आपको 80% रिजल्ट दिलाता है। कई बार क्या होता है कि हमें यही पता नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और इसीलिए कई बार हम वो सब भी पढ़ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे किसी काम का नहीं है, और इस वजह से हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है।
और इस टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है पेरेटो प्रिंसिपल टेक्निक के। इसके अनुसार आपको अपने सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट में वो 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस जो आपको 80% रिजल्ट दिलाएगा, और दूसरे पार्ट में 80% सिलेबस जो आपके ज्यादा काम का नहीं है। और यह जो 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यही 20% आपको एग्जाम्स में 80% रिजल्ट दिलाएगा। और इस पेरेटो प्रिंसिपल टेक्निक का फायदा यह होगा कि इसकी वजह से आपको चीजें जल्दी याद होंगी, क्योंकि आप सिर्फ वही पढ़ोगे जो आपके काम का है। इससे आपके ब्रेन में ज्यादा खिचड़ी नहीं बनेगी और आप चीजों को जल्दी याद कर भी पाओगे। अब आते हैं नंबर 3 पर, एक्टिव एंड पैसिव रीडिंग। रीडिंग दो तरह से की जाती है, एक्टिव और पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग वो होती है जिसमें आप पढ़ाई तो करते हो लेकिन आप उस चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, ज्यादा डीप में नहीं जाते हो। और एक्टिवेट रीडिंग वो होती है जिसमें आप पढ़ाई तो करते हो लेकिन उस चीज को पूरे डीप में पढ़ते हो, एक एक चीज के बारे में अच्छे से समझते हो। और मजे की बात यह है कि आपने अपने सिलेबस को जिन दो पार्ट्स में डिवाइड करा था उनमें से 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर आपको एक्टिव रीडिंग करनी है और बाकी बचे 80% पर आपको पैसिव रीडिंग करनी है, ताकि आप कम समय में चीजों को ज्यादा याद कर पाओ। और इस टेक्निक का यूज करने से आप लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद भी नहीं थकोगे, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई से थक जाओ तो उसी टाइम पर आपको पैसिव रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। ऐसा करने से आपके दिमाग को रेस्ट मिल जाएगा और आप चीजों को जल्दी याद भी कर पाओगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, नंबर 4, रिवीजन। आपने जो भी पढ़ा है अगर आप उसे लंबे समय तक याद रखना चाहते हो बिना भूले, तो उसका सही टाइम पर रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका सही टाइम पर रिवीजन करना, क्योंकि अगर आपने उसका सही टाइम पर रिवीजन नहीं किया तो आप उसे भूल जाओगे। भले ही आपने उस चीज को कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसको पूरी तरीके से भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उसका सही समय पर सही तरीके से रिवीजन कर लिया तो फिर आप उसको नहीं भूलोगे। आजकल स्टूडेंट्स पढ़ाई तो खूब करते हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, लेकिन वो उसका रिवीजन नहीं कर पाते। इस कारण उनको उस पढ़ाई का आउटपुट ही नहीं मिल पाता है और इतने घंटे पढ़ाई करने के बाद भी वो उस चीज को भूल जाते हैं। अगर उसका सही समय पर सही तरीके से रिवीजन कर लिया जाए तो फिर वह चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, फिर आप उसे आसानी से नहीं भूलते हो। अब मैं आपको रिवीजन करने का एक साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूँ। अगर आप उसका सही तरीके से यूज करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसके बाद आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं आपको उसका फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर ही करना है, क्योंकि साइंस कहता है कि आप जो भी पढ़ते हो, जो भी सीखते हो, उसका 80% पार्ट 24 घंटे के अंदर ही भूल जाते हो। इसलिए आपको फर्स्ट रिवीजन 24 आवर के अंदर ही करना है, और फिर आपको सेकंड रिवीजन 3 दिन के बाद करना है, फिर आपको थर्ड रिवीजन 1 वीक के बाद करना है, एंड लास्ट एंड फाइनल रिवीजन आपको 21 दिन के बाद करना है। अगर आप इन चारों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर वह चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, फिर आपको वह चीज सालों तक याद रहती है। हो सकता है आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई हम इतनी बार रिवीजन कैसे करेंगे, हमारे पास तो पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं बचता। तो मेरे दोस्त, रिवीजन का मतलब होता है सिर्फ कीवर्ड्स को अपने दिमाग से होकर निकालना। रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसे आप खाना खाते खाते या टहलते टहलते भी कर सकते हो। एक बार आप पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़कर रिवीजन कर लो, और फिर लास्ट बार आप रिवीजन अपने ब्रेन के अंदर ही कर लो, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। और अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे यह चीज अभी तक याद नहीं हुई है, तो एक बार आप फिर से उसको और देख लो। तो कुछ इस तरह से आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। रिवीजन करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने एक घंटे तक पढ़ाई की है तो आप उसका रिवीजन सिर्फ 10 मिनट में अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आप रिवीजन से मत डरो, आप तो बस रिवीजन के इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते रहो, फिर देखो आप किस तरह से एक एक चीज को याद रखने लग जाते हो। और आपकी ये प्रॉब्लम तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी कि यार पढ़ा हुआ जल्दी याद नहीं होता है। तो गाइस, ये थी वो चार टेक्निक्स जिनका यूज करके आप पढ़ा हुआ जल्दी याद कर सकते हो। और अगर आप इन चारों टेक्निक्स को सिर्फ 21 दिन भी फॉलो करते हो तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इन चारों टेक्निक्स को फॉलो जरूर करना। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, वीडियो देखने के साथ साथ एक्शन भी लेना पड़ता है, तभी जाकर वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। और हाँ, अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके स्टडी करना चाहते हो ना, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप ये टाइम मैनेजमेंट ईबुक पढ़। अगर आपको ये हमारा मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पे प्यार से कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।